इससे बढ़िया मशीन मेरे को कोई नहीं जमती पहले भी रखी नहीं छह बीघे की सरसों निकल कैसा रहा रिजल्ट मशीन का बढ़िया बढ़िया। आप संतुष्ट है बिल्कुल बहुत जोरदार बहुत जोरदार जोरदार यानी मशीन कोई भी किसान दिल से बताइए जो भी देख रहा है देख किसान देख, देख, देख रहा है को और बहुत जोरदार सुविधा बहुत अच्छी है जो यारे फसल यारे उस मशीन से तीन घंटे में निकलती है इसमें अच्छा और जो तीन घंटे में निकलती है इसमें डेढ़ घंटे में निकल जाती है अरे सवा सवा की की बढ़िया सूखा होगा तो में टाइम टाइम का बहुत जाते हैं और नमस्कार किसान भाई मैं आपका दोस्त मनीष जाट और आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल किसान भाई जैसा कि आप मेरे पीछे ये अवतार कंपनी की मल्टी क्रॉप थ्रेसर देख पा रहे हैं ये अवतार कंपनी का टॉप मॉडल है और ये किसान भाई चला रहे हैं और ये कितने दिनों से चला रही है इन्होंने कहाँ से खरीदी इसके अंदर क्या नई टेक्नोलॉजी है जो किसान भाई को पसंद आएगी कौन से ट्रैक्टर पर चला रहे हैं कभी क्या कोई दिक्कत आई है फसल निकाल रहे हैं कौन कौन सी फसल निकाल रहे हैं किस प्रकार इस मशीन का रिजल्ट संपूर्ण जानकारी तो इस कमाल के वीडियो में अंत तक बने रहे और जो दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को लाल बटन दबाकर फ्री में सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इन किसान भाई के लिए एक लाइक तो बनता है तो सर सबसे पहले आप जो भी किसान भाई आपको देख रहे हैं अपना नाम बताइए मेरा नाम कुमार सिंह है जी और मशीन कहाँ से लिया आपने लुधियाना से आ गए हैं अहमदगढ़ अहमदगढ़ हाँ। और आप कितने दिन हो गए आपको मशीन ले हुए इसको तो एक महीना हो गया एक महीने से आप चला रही हो हाँ। कौन से ट्रैक्टर पे चला रही पैतालीस कितने एच पी ट्रैक्टर है पचास पचास एच पी का ट्रैक्टर हाँ, है पचास है एक महीने से चला रही हूँ हाँ कौन कौन सी फसल निकाली है अभी आपने अभी तो मैंने सरसों ही निकाली है सरसो निकाली सरसों में रिजल्ट किस प्रकार है सौ सौ परसेंट सौ परसेंट तो आप सरसों की सफाई आप ही किसान भाई को दिखाई देखिए किसान भाई ये सरसों निकाल रहे हैं एक महीने से और सरसों की सफाई दे के बिल्कुल सौ परसेंट जैसा कि किसान भाई ने बोला बिल्कुल भी सरसों के अंदर कचरा नहीं आपको एक महीना हो गया चलाते हुए तो कभी आपको ऐसा लगा कि ट्रैक्टर पे लोड पड़ रहा है नो बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल नहीं गीली कुटो, और आपने कुटो। अभी बताया कि गीली तो आप कितने परसेंट तक गीला माल निकालते हो अरे बिल्कुल ही हरी कचरा निकल रही है बिल्कुल सौ परसेंट गीला बिल्कुल यानी अगर बारिश हल्की फुल्की नमी है तो आसानी के साथ निकल जाएगी कोई दिक्कत नहीं और ऑपरेट करने में किस प्रकार है इसमें तो कुछ नहीं सादा है इसमें सौदा बिल्कुल नॉर्मल अगर नौर्मल। किसान भाई एक घंटे के अंदर ऑलराउंडर हो जाएगा हाँ, बिल्कुल और इसके जैसे कि अपनी जो सेटिंग सबसे महत्वपूर्ण रहती है सेटिंग कि आरपीएम कम करना ज्यादा करना ट्रैक्टर को अपने ड्रम के आरपीएम ज्यादा करना हवा कम करना वो किस प्रकार है ऑपरेट कितना आसान है बहुत आसान है बहुत आसान है बहुत आसान है आपने एक महीने के अंदर सब कुछ सीख लिया इसमें कोई दिक्कत नहीं है कभी भी जाल चलना में कोई परेशानी नहीं इसमें मैंने तो किसान भाइयों को बहुत सारी वीडियो के अंदर जानकारी कोई नहीं जमती पहले भी रखी नहीं ये मशीन सबसे अच्छी है इसमें यह लगा की इसमें, इसमें सब साधारण सौदा है इसको एक अकेला आदमी चला सकता है इसको खोलो चालने को बदलना भी बहुत आसान हाँ, है देखो ये निकाल जी 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 बहुत ही शानदार है सर जी ये बात तो मैं मान गया। और ये और चलना है वो जाल बदलना है ये खोले टपारा खोला रिच लो बिल्कुल कुछ ही सेकंडों के, के अंदर आ, कर सकते हैं और ये वाला जो अपना जो सिस्टम रहता है किसान भाई फिल्टर वाला जैसे कि आप देख पा रहे हैं अगर इसके हल्का फुल्का जैसे कि डोली आती है तो मैं आपको दिखा नहीं। नहीं। इसमें हल्के फुल्के सरसों के के दाने भी आ रहे हैं ये... तो ये, इसके माध्यम से पीछे डोली अंदर नहीं। नहीं। चले जाएंगे ड्रम के अंदर फिर वापिस ड्रम में आ जाएगा फिर वो सफाई होके और उसमें आ जाएगा कभी कोई दिक्कत आई है सरसों में भूसे में दाना वाना जाने की नो नो किसी भी प्रकार की नहीं आई तो भूसा आप ही दिखाई दाना आ रहा है या नहीं आ रहा है किसान को दिखाई नहीं कोई सवाल ही नहीं बिल्कुल नहीं आ रहा जैसा कि ये किसान भाई ये, ये आ, भी बोल रहे हैं कि आ, बिल्कुल दाना नहीं आ रहा है आपने भी निकलवाई आपने कितना बीघे की सरसों निकलवाई बीघे छे की सरसों निकलवाई कैसा रहा रिजल्ट मशीन का बढ़िया बढ़िया आप संतुष्ट है बिल्कुल बहुत जोरदार बहुत जोरदार जोरदार यानी मशीन कोई भी किसान दिल से बताइए जो भी देख रहा है किसान देख रहा है बहुत बहुत जोरदार शब्द जोर सुविधा बहुत अच्छी है, है। वाला नहीं केक केक की की चाहिए ना नहीं।, नहीं उसमें एक ऊपर खड़ा होकर डालता है इसमें डायरेक्ट जो फसल उस मशीन से तीन घंटे निकलती है इसमें से सवा घंटा अच्छा और जो तीन घंटे में निकलती है इसमें अरे और इसकी डोली की हाइट नीचे है तो उससे आसानी रहती है आपको माल डालने के अंदर डायरेक्ट पटक नहीं बहुत सुविधा है चल तो फट रहे हैं हम कोई, कोई भी और बात की कोई परेशानी किसान भाई किसान भाईयों ने तो बता दिया कि मशीन बहुत शानदार अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर न्यू टेक्नोलॉजी क्या है किस प्रकार आपको फीचर्स मिलेंगे सबसे पहले अगर इसके एलिवेटर की बात करें तो इसके एलिवेटर से जहाँ से आपका अनाज सरसों फसल जो भी आएगी वो इसके अंदर आएगी डिज़ाइन इस प्रकार है कि आपका माल बिल्कुल नहीं रुकेगा ये अंदर एलिवेटर आप ट्रोल के अंदर सीधा ले सकते हो अगर आप कट्टे बोरी के अंदर ले सकते हो तो यहाँ पर आपको हुक् मिल जाएगा ये आपको इस तरफ फ़ैन मिलता है अगर इसके फैन की बात करें तो इस मशीन में आपको चार फैन मिलेंगे इस हैंडल के माध्यम से भी अपनी फैन को हवा कम ज़्यादा कर सकते हैं ये माल की सफाई के लिए आएगा अगर हल्का बल्का कचरा आता तो तो इसकी हवा ज़्यादा बढ़ा दो तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी यहां पर एक फैन दिया हुआ है जिससे कि वो कचरा उठाएगा भूसा उसकी हवा भी आप अपनी एडजस्ट कर सकते हो यहां पर अवतार कंपनी ने लाइटिंग दी हुई है जिससे कि आप रात में भी काम कर सकते हो और चारों फैनों की हवा कम करने के लिए यहाँ पर बहुत ही शानदार फीचर दिया हुआ है आपको ये फिल्टर वाला सिस्टम मिल जाएगा जैसे कि किसान भाई ने अभी तिरपाल बिछाया कुछ फसल के साथ दाने वहाने नीचे गिर गए तो उसको अगर आपको फिल्टर करना सफाई करना तो बॉक्स में डालकर आप उसे ग्रेडिंग कर सकते हो और जैसे ही मशीन के इस तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पर दो पोलियाँ मिलती है तीन बेल्ट के अंदर अगर आप नीचे वाली सबसे छोटी ऊपर वाली सबसे बड़ी रखोगे तो यानी मशीन के ड्रम के आर कम हो जाएंगे और नीचे वाली सबसे बड़ी ऊपर वाली सबसे छोटी रखोगे तो मशीन के ड्रम के आर ज़्यादा हो जाएंगे किसान भाई और जैसे ही इसके पीछे की तरफ आते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो किसान भाई को ये सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है इसकी डोली की साइज़ की वजह से किसान भाई आपने भी आमतौर पर डोली की पीछे वाली जो डोली आती है उसकी हाइट इतनी देखी होगी जिससे कि किसान अपनी लेबर मजदूर जो भी काम करते हैं उनको माल डालने के लिए बहुत सारी समस्या आती है लेकिन इस मशीन की डोली की साइज़ कम होने के कारण ही कि किसान भाई बोल रहे हैं कि हम तीन घंटे का काम सौ घंटे के अंदर कर देते हैं किसान भाई इसकी डोली की हाइट बहुत कम है आप कितना भी किसी भी प्रकार का माल डालो और किसान भाई ने बताया कि गीला माल भी निकालते हैं और इस जैसे कि आप देख पा रहे हो गीले माल के लिए मैंने पहले बताया था तो यहाँ पर देखिए कि नकुली प्रकार के दाँते लगे हुए जिससे कि आपका माल वापस रिटर्न नहीं होगा अगर आपको लगता है कि ड्रम व्रम चौंक हो रहा है ट्रैक्टर पर लोड पड़ रहा है तो इस हैंडल के माध्यम से आप उसको ड्रम चौंक होता है तो वो भूसा वापिस पीछे वाली डोली के अंदर आ जाएगा ट्रैक्टर पे बिल्कुल लोड नहीं पड़ेगा डोली को रोकना है तो आपको यहाँ पर हैंडल दिया हुआ है और मशीन के जैसे ही अगली तरफ आते हैं तो किसान भाई सबसे महत्वपूर्ण आपने यहाँ पर दूसरी आमतौर की जो मशीनें रहती है उसके अंदर बेल्टें देखी होगी जिससे कि क्या है कि डोली के अंदर माल ज़्यादा डालते हैं तो बेल्टे स्लिप हो जाती है लेकिन यहाँ पर अवतार कंपनी ने चेन वाला सिस्टम दिया है जिससे कि चेन के माध्यम से चलेगा कितना भी आप माल डालोगे तो बेल्टे स्लिप नहीं होगी और जैसे इसके तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पर ऑपरेट करने के लिए बेल्टे मिल जाएगी जिससे आप अपने डोली की आर भी कम कर सकते हैं आपको यहाँ पर एक व्हील मिल जाएगा एक व्हील उस तरफ का दोनों व्हील का वज़न समान है जिससे कि ट्रैक्टर पर लोड नहीं पड़ेगा अगर इसके ड्रम साइज की बात करें तो फोर्टी टू इंच इसका ड्रम साइज मिलेगा और सबसे महत्वपूर्ण माल अगर आपको कैपेसिटी ज्यादा लेनी है तो उसकी ब्लेडें कितनी महत्वपूर्ण है मैं आपको बताता हूँ इस मशीन में 200 सौ ब्लेडे मिलेगी जिससे कि आपकी माल की कटाई अच्छी होगी और भूसे की कटाई भी अच्छी होगी अगर भूसे की कटाई की बात करें तो जे जेक किसान भाई भूसे की कटिंग भी अच्छी है सबसे ज्यादा किसान भाई की डिमांड रहती है गेहूँ के अंदर गेहूँ के अंदर भूसा चाहिए तो वो इसके अंदर आपको गेहूँ के अंदर भूसा मिल जाएगा इसकी अगली तरफ आती है तो आपको यहाँ पर फैन दिए हुए हैं चार एक दो तीन चार तीन फैन खुले हुए हैं और एक फैन ये बंद है ये आपके माल की सफाई के लिए काम में आता है और आपको भूसा नज़दीक गिराना ऊपर ज़्यादा दूर तक गिराना है तो इसके माध्यम से आप एडजस्ट कर सकते हो और जैसे ही किसान भाई ने बताया कि चालने बदलना भी बहुत ही आसान है अगर आपको जाल को ऊपर नीचे करना है तो इसके माध्यम से आप कर सकते हो और किसान भाई यहाँ पर भी आपको एक प्लेट वाला हैंडल मिलता है जिससे कि आप थ्रेसर की जाल की प्लेट को ऊपर नीचे कर सकते हो और जैसे इसकी तरफ आते हैं तो ये फिल्टर वाले सिस्टम के बारे में हमने बता ही दिया ये जैसे ही आपके डूलियों उल्लियों के साथ अगर हल्का पुल्का दाना आता तो वो पीछे डोली के अंदर चला जाएगा और मशीन के जैसे आगे की तरफ आते हैं तो किसान भाई आपने आमतौर पर बहुत सारी मशीनों में आगे की जो पुल्ली रहती है वो तीन बेल्ट वाली देखी है यानी कि तीन यानी तीन ही लगा सकते हैं लेकिन इसके अंदर चार पुल्ली है जिससे होगा क्या कि ये मशीन के आरपीएम सेट नहीं करेगी अपने फंके के आरपीएम सेट करेगी अगर आप जीरे की फसल निकाल रहे हो बारीक पसंद निकाल रहे हो आपको लगता है कि हल्का फुल्का दाना उड़ रहा है तो इस आगे वाली पुली के माध्यम से आप अपने फैन के आरपीएम सेट करोगे केवल फैन के मशीन के आरपीएम सेट नहीं होगी केवल पंखे पंखे के, के आरपीएम हवा कम ज़्यादा होगी अगर नीचे वाली सबसे बड़ी है ऊपर वाली सबसे छोटी है तो यानी मशीन सबसे ज़्यादा फैन की जो आरपीएम रहेगी वो सबसे ज़्यादा है अगर आपको और मीडियम करना है तो और छोटी वाली पे लो अगर आप जीरे वीरे की निकाल रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि नीचे वाली छोटी पुली पर रहे ऊपर वाली बड़ी पुली पर रहे जैसे कि क्या है कि जीरे वीरे की जो भी पसंद निकालोगे तो उड़ाने की किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी और किसान भाई इस मशीन में अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो न्यूट टेक्नोलॉजी दी हुई है जैसे कि आप ट्रैक्टर के अनुसार इस हुक जोड़ने वाली सिस्टम को भी ऊपर नीचे कर सकते हो और सबसे महत्वपूर्ण जो आपको इसी मशीन के अंदर मिलेगा अगर आपको खेत पे लंबे समय तक काम करते हो डीजल की टंकी डी रखना तो इसके माध्यम से भी रख सकते हो तो हमने किसान भाई को संपूर्ण जानकारी दे दी मशीन अगर कोई किसान भाई लेना चाहता है तो दिल से बताइएगा कि क्या किस प्रकार रहेगा रिजल्ट सो में सो परसेंट अच्छा आपका पूरा एड्रेस नाम पता बताओ वापस मेरा नाम है कुमार सिंह और जिला है दौसा तहसील है महुआ गांव है बड़ा गांव खेड़ला। अगर कोई किसान भाई बोलता है कि जैसा कि आपने बोला इसका रिजल्ट ऐसा है हम आकर देखना चाहते हैं उन्हीं के पास तो आप क्या कहना चाहते हैं? आ सकते हो आपके पास खूब आपके पास आकर यहाँ पर विजिट कर कर मशीन का रिजल्ट देके संतुष्ट हो फिर वो मशीन परचेस कर सकते हैं तो किसान भाई किसान भाई ने भी बहुत अच्छी जानकारी दी और बताया कि मशीन का रिजल्ट बहुत शानदार है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इन किसान भाई के लिए एक लाइक तो बनता है और इस वीडियो में आपको नया क्या लगा वो कमेंट करेगी तो किसान भाई फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही शानदार और कमाल के वीडियो में तब तक जय जवान जय किसान